कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेज बैठ जाएंगे। कहां गया भगत सिंह के सपनों का भारत? यह सत्ता किसके हाथ में गई? आज भी सत्ता को कौन चला रहा है? ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, पितृ सत्ता का गठजोड़ इस देश को चला रहा है। इसलिए 75 साल बाद इस देश के बहुजनों को अब एक नए रूप में आंख खोलनी है। क्या इस देश को अपने वंचित शोषित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए 75 साल का वक्त कम पड़ता है? भारत, मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। या इस तरह के मंच से जुड़ करके इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी मंच पर आपको सुनने को मिलेगा कि आजादी के 75 साल पर बहुजनों का क्या हाल है। यह इस मंच की वैचारिक प्रतिबद्धता है। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि आप इस पर कमेंट करें, आपको क्या लगता है, कहां है आज बहुजन? 75 साल किसी देश की आजादी के बाद 75 साल बीत जाएं, ये एक लंबा वक्त होता है। इस लंबे वक्त में मूल्यांकन तो बनता है कि आजादी का ख्वाब जो दिखाया गया था, जो आजादी का स्वरूप दिखाया गया था, वह कैसा है। मैं कोशिश करूंगा एक दो कविताओं और इन सब के जरिए कुछ बातें आप लोगों से साझा करने की, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्थितियां हैं उनमें यह सवाल बहुत मौजूद है। दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया यह होती है कि देश में परंपरा बन गई हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा हाथ में लेकर के देशभक्ति से गाने, ओतप्रोत गाने गाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब नारे लगाने की, आपका आजादी का जश्न ये है। तो स्कूल, छोटे छोटे स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज या कोई भी सार्वजनिक जगह जहां होती है, वहां लोग तिरंगा फहराते हैं और इस तरह का एकदम देशभक्ति पूर्ण वातावरण होता है। अमूमन देशभक्ति शुरू भी होती है सेना से और खत्म भी होती है सेना पर, यह सोचने वाली बात है। मैं आपके सामने एक बिंदु रख रहा हूं, आप भी याद करिए, आप अपने आसपास गांव घर में देखिए, हमें प्राथमिक विद्यालय में, स्कूल में देशभक्ति का पाठ किस नाम पर पढ़ाया जा रहा है? सेना के नाम पर। सेना की वर्दी, सेना की लड़ती हुई, जंग लड़ती हुई तस्वीरें, युद्ध युद्ध करते हुए, क्या वाकई आजादी के जश्न को केवल युद्ध की सीमा में ही देखा जाएगा? सेना और सैनिकों की सेना में, बशर्ते मैं यह मानता हूं कि ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीयवाद नहीं है, इस देश में राष्ट्रवाद है, दुनिया भर में चलता है। तो एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब वो किसी के खिलाफ अपने को आइडेंटिफाई करता है। तो वो जो प्रतिक्रिया में राष्ट्रवाद बनता है उसमें सेना ही सबसे केंद्र में होती है, युद्ध ही केंद्र में होता है। मारा जाता है किसान का बेटा, किसान का बेटा मारा जाता है, उसकी शहादत तिरंगे में लिपटे हुए चीजों को भी इस तरह से वो कर लिया जाता है कि वो एक चीज है। लेकिन मेरे प्रश्न पर विचार कीजिएगा, क्या जंगे आजादी का जो हासिल है, जो निचोड़ है, वह केवल युद्धोन्माद है? वह केवल सैनिक, युद्ध, मिसाइल, बंदूक, बलिदान हो जाने के नारे? यह एक पक्ष है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे वृहत्तर बहुत बड़ी आयाम आजादी में होनी चाहिए। अवतार सिंह पाश क्या लिखते हैं? भारत, मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द
जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है, उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेत में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। यहां से हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। भारत का अर्थ अगर यह है तो आजादी का अर्थ क्या है? आजादी के अर्थ में क्या क्या लिखा है फैज अहमद फैज ने कि ये दाग दाग उजाला। अब फैज अहमद फैज की इस नज्म को जो सुबह आजादी अगस्त 1947 के नाम से प्रकाशित हुई, और यहीं से फिर मैं बहुजन प्रोस्पेक्टिव को जोड़ूंगा कि आजादी के 75 साल बाद बहुजन का हाल क्या है। अब बहुजन के हाल को समझने के लिए फैज अहमद फैज की इस नज्म को तो समझेंगे ना। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका हमें इंतजार था। क्या लिखते हैं फैज अहमद फैज? ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो सुबह तो नहीं है। अब इसको बहुजन से जोड़ दीजिए। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा महिलाएं, किसान, मजदूर, कमेरा, श्रमशील, श्रमजीवी, ये एक नागरिक समुदाय है इस देश का 90%। और 10% कौन है? परजीवी, शोषक, वंचक, एलीट, बुद्धिजीवी, अंग्रेजी दां समझने वाले लोग। ये दो भारत है। क्या अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो हम एंटी नेशनल हैं? क्या हमारे ऊपर यूएपीए लगा करके हमें जेल में डाल दिया जाएगा कि हम देशद्रोह की बात कर रहे हैं? नहीं, ये सच्चाई है इस समाज की, इस देश की, कि 90% आवाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा महिला, वंचित, शोषित, कमेरा, श्रमजीवी, श्रमशील है। उसके लिए हम ये कहेंगे कि फैज अहमद फैज ने उस समय जो बात कही थी, 75 साल बाद हम वहीं खड़े हैं। ये दाग दाग उजाला, थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, थोड़ा सा दलितों के घरों में शिक्षा पहुंची, थोड़ी सी नौकरी पहुंची, थोड़ी सी जमीनें आई, थोड़ा सा पिछड़ों के घर पे, अति पिछड़ों के घर पे खाने को आया, पहनने को आया, घर आए, शिक्षा मिली, रोजगार मिला, थोड़ी सी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, पैरासीटामोल की दवा मिलने लगी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। 75 साल बाद हम यहां खड़े। 75 साल बाद का आंकड़ा मैं बार बार इसको कहते रहता हूं और कहूंगा, बहुत जरूरी है ये आंकड़ा। कितना इस देश में जो प्रोफेसर हैं, 87% प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के पोस्ट खाली देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 97% राउंड फिगर में कर लीजिए ओबीसी के प्रोफेसर पोस्ट खाली, 93% आदिवासी प्रोफेसर की पोस्ट खाली। अगर तीनों का असिस्टेंट प्रोफेसर पर औसत आंकड़ा निकाल दीजिए तो 50% से 70% पोस्ट खाली। ओबीसी के पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कितने आज की तारीख में? 9। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल में 60% से 70% बहुजन फेल करके निकाल दिए जा रहे हैं। आज भी दलितों के पास 1% से भी कम जमीन बची है,
पिछड़े और अति पिछड़े के पास 20% से 10% से 20% का अंदर रेशियो बना है अलग अलग जातियों का। आदिवासी की जमीन बस्तर से लेकर बकसवाह के जंगलों में छीनी जा रही है, राजनांदगांव से लेकर के बस्तर और बकसवाह के जंगल, आदिवासी के पास जो जमीन है वो लगातार विकास के नाम पर छीनी जा रही है। वहां अंबानी और अडानी का बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाया जाना है, वहां विकास किया जाना है, सड़क के रास्ते सेना आदिवासी इलाकों में जा रही है, विकास के कंधे पर चढ़ करके विनाश आदिवासी इलाकों में जा रहा है। यह 75 साल बाद हमें हासिल हुआ है। 75 साल बाद भी मूछ रखने पर दलित मारा गया, 75 साल बाद भी पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा, नीट में आरक्षण 2021 में आके मिला, 75 साल बाद भी इस देश में ओबीसी की आबादी कितनी है नहीं पता, लगातार आबादी गिनने के सवाल को हाशिए पर ढकेला जाए। एक बार ठहर के सोचिए, मैं जो बात कह रहा हूं मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं आपसे कुछ इशारा कर रहा हूं। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था हमें जिसका, ये वो शहर तो नहीं फैज अहमद फैज, तो उजाला कहां हुआ, दाग दाग उजाला। थोड़े से पिछड़ों को शिक्षा मिल गई, 9 प्रोफेसर चले गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में, 2-4 वाइस चांसलर, एक आध जज आज तक 75 साल में बन गए, आज तक कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट में वकील, सुप्रीम कोर्ट में जज, आईआईएम के डायरेक्टर, आईआईटी के डायरेक्टर, मेडिकल के डायरेक्टर, वाइस चांसलर, कुलपति, डीन, प्रिंसिपल, ये सारे पोस्ट हैं और इनमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं था। उत्तर प्रदेश में अभी एक वैकेंसी का रिजल्ट आया है प्रिंसिपल बनाने की, और उस प्रिंसिपल बनाने की वैकेंसी में रिजर्वेशन शून्य कर दिया गया है और लगभग 80-90% जो प्रिंसिपल बने हैं वो संवर्ण लोग बने, 10% आबादी वाले, तो थोड़े से लोग जो प्रोफेसर बन गए ओबीसी में, थोड़ी सी शिक्षा मिल गई, उन्हीं में बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है ओबीसी का हक ओबीसी मार रहा है, दलित का हक दलित मार रहा है। गिनती करके बताएंगे नहीं कि कितना मार रहा है, कौन मार रहा है। ये जो चिंता है इस समाज की, इस देश की, उस चिंता को कौन स्पष्ट करेगा? इस देश में पसमांदा कहां खड़ा है, इस देश में क्यों इसकी गिनती नहीं हुई? दाढ़ी और टोपी देख करके लिंचिंग का शिकार होने वाला पसमांदा मुसलमान, गरीब, कमजोर, कमेरा जात का मुसलमान, 75 साल के आजादी के जश्न में अंततः कहां पहुंच पाया? क्या यह सवाल पूछना देशद्रोह करना है? लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर झूठ बोलना अगर देशद्रोह नहीं है, तो फेसबुक के मंच पर खड़े होकर के सच पूछना अगर देशद्रोह है, तो हम देशद्रोही हैं, भेजो हमें जेल। इस देश में कितने मुसलमान वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, ये वकील बन गए, ब्यूरोक्रेट्स बन गए, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, ये सवाल क्यों ना पूछे? और उसमें से भी पसमांदा मुसलमान क्यों ने ये सवाल पूछे? लिंचिंग में हमारे एक मित्र हैं खालिद अनीस अंसारी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि लिंचिंग इस देश में 75 साल के इतिहास में हम लिंचिंग तक पहुंचे हैं। 75 साल के इतिहास में हम हाई कोर्ट के सरकारी बिल्डिंग पर भगवा ध्वज फहराने तक पहुंचे हैं। 75 साल के इतिहास में राम मंदिर के नाम पर दंगा कराने, मस्जिद तोड़ने के इतिहास के साथ हम मंदिर के नाम पर राजनीति में पहुंचे हैं। ब्राह्मण वोट को खुश करने के लिए, हम सामाजिक न्याय की राजनीति को दाव पर रखने के लिए पहुंचे हैं। 75 साल बाद इस देश में बहुजन आज भी 15% बहुजन है ना, शेड्यूल कास्ट 7.5% आदिवासी, 27% आरक्षण मिला है, लेकिन है तो 52% ओबीसी। पसमांदा को मिला लीजिए और इन सबको मिला लीजिए तो 90% हो गए। क्या 75 साल बाद इस देश में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि अगर 100 वाइस चांसलर इस देश में हैं तो 90 बहुजन होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था हमें जिसका, ये वो शहर तो नहीं? तो 100 में 90 बाबू जगदेव प्रसाद,
सौ में नब्बे शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है, आजादी के 75 साल बाद यह सवाल बहुजनों के प्रोस्पेक्टिव में क्यों न पूछा जाए। तो स्कूल में सेना के झंडे, सेना की बंदूक, सेना की तोप, सेना का वर्दी पहना करके ही राष्ट्रभक्ति अगर सिखाई जाएगी तो चुनाव के वक्त अचानक एक पुलवामा हो जाएगा और भारत में तिरंगा झंडा लेकर के पागल होकर के ये देश मुसलमानों और पाकिस्तान को गाली देते हुए वोट देगी और फिर मोदी जीत जाएगा। लगाओ यूएपीए, हम ये बात बोल रहे हैं क्या 75 साल बाद आजादी का मतलब, जंगे आजादी के जश्न का मतलब सेना ही है? या यह सवाल पूछना कि 75 साल बाद हम कहां पहुंचे, कितने बहुजन प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट, जज, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर सौ में नब्बे क्यों नहीं है? क्या एक देश को अपने वंचित शोषित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए 75 साल का वक्त कम पड़ता है? क्या एक देश को अपने समाज के वंचित शोषित जमात के इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कम पड़ता है? क्या यह सवाल गैर वाजिब सवाल है कि इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री बने उनमें अधिकतम किस तबके के, उन्होंने कौन सी नीतियां बनाई? तो बहुजन आज कहां खड़ा है, क्यों ना इसका मूल्यांकन किया जाए। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका हमें, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। बहुजनों थोड़ा कविता उविता भी पढ़ा करो, पढ़ो रमाशंकर विद्रोही को, पढ़ो उसके बाद तमाम बहुजन कवियों को, पढ़ो फैज अहमद फैज को। चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल, कहीं तो न्याय मिलेगा बहुजन को, कभी तो हम इस देश में गर्व से कह पाएंगे कि हां 15% दलित, 7.5% आदिवासी, 52% ओबीसी, पसमांदा महिलाएं इस देश को चलाने की मुख्य धारा में शामिल हैं। अवैध कब्जा किए हुए लोग जंगे आजादी मनाने के लिए भारत माता की जय कांख उठा करके नारा लगा के देशभक्ति होती है क्या? बहुजन कहां खड़ा है? मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, घोड़ी चकने पे मारा जा रहा है, जमीन के हक के लिए गोली चल रही उत्तर प्रदेश में, बस्तर बकसवा में आदिवासी जमीन छीनी जा रही, राजस्थान में एक नया नया फैसला आया कि जमीन आपकी नीलाम कर लेगी राजस्थान की सरकार, और राजस्थान में किसकी सरकार है? गंगाधर की है, शक्तिमान की सरकार है दिल्ली में, तो दिल्ली में शक्तिमान की सरकार है और कहीं कहीं गंगाधर की सरकार है। मेरे व्यंग को समझ पा रहे हो तो समझिएगा, गंगाधर ही शक्तिमान है। जब तक इस देश को चलाने में बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं है फिर यह आजादी झूठी है, हम क्यों नहीं यह बात कहें? यह आजादी अधूरी है, यह आजादी झूठी है, क्योंकि इसने 90% बहुजनों को इस देश की सत्ता, संसाधन, हिस्सेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हकमारी की है और उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी है। कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ये गम दिल, जवां लहू की पुर असरार शाह राहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे, बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर के लगन, बहुत करी था हसीनान ए नूर का दामन, सुबुक सुबुक की तमन्ना दबी दबी सी थकन, सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विशाल मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। बहुजन के प्रोस्पेक्टिव में हम कहें तो फैज अहमद फैज तक को गलत हमने साबित कर दिया इस देश के ब्राह्मणवादी पूंजीवादी सामंती शासकों ने, ब्राह्मणवादी पूंजीवादी सामंती शासकों ने। फैज क्या लिख रहे हैं,
मुझे तो ये लग रहा था कि बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, और अभी जाली याद आते हैं कहते हैं ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आजादी अधूरी है, कौन आजाद हुआ? किसान आजाद हुआ क्या? जमीन छीन रहे, तीन कृषक कानून बना रहे, वो आंदोलन कर रहे, आप उनको मरने के लिए छोड़ दिए, उनको बदनाम करो। सरकारी जगहों पर आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सब बाधा बनेंगे, आपका आरक्षण छीनेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण पर चुटकुला बनाएंगे, आरक्षण वालों को बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे। आप भीख भीख कह करके रोज यह समझेंगे आप बदनाम होते हैं, आप बेइज्जत होते हैं जा करके, आंख में आंख डाल करके क्यों नहीं कहते कि आरक्षण भीख नहीं है? ये जालिम, ये मेरिट के नाम पर ये अवैध कब्जा करने वाले 10% लोग आपको बदनाम करते हैं, और आप बदनाम होते हैं। 75 साल बाद आपने ये हासिल किया है, आंख में आंख डाल करके पूछिए कि ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी न होती तो ओपन मेरिट में तुमसे कंपटीशन करते। कहां दर्द कम हुआ बहुजन का? आरक्षण पर चुटकुले खत्म हो गए क्या? जहर जातिवाद का खत्म हो गया क्या? क्या जाति के नाम पर शोषण खत्म हो गया क्या? आपने तो जाति गिनना बंद कर दिया था भाई साहब कि 1951 से हम नया भारत बनाएंगे, हम जाति नहीं गिनेंगे, जाति खत्म हो जाएगी। तो धर्म सांप्रदायिकता खत्म करना था तो धर्म क्यों गिनते रहे? भाषाई भेदभाव खत्म करना था तो भाषा क्यों गिनते रहे? केवल जाति खत्म करनी थी तुमको, इसलिए जाति गिनना बंद कर दिए। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है जाति गिनो, नहीं तो इस देश में पता ही नहीं चल पाएगा गरीब शोषित कमजोर वंचित कौन है। 75 साल बाद यहां पहुंचे, दर्द कम हो गया क्या? घोड़ी चढ़ने पर दलित नहीं मारा जा रहा, मंदिर जाने पर मारा नहीं जा रहा, पानी पीने पर मारा नहीं जा रहा, आसिफ की लिंचिंग नहीं हुई, फैजल की लिंचिंग नहीं हुई इस देश में। अभी कानपुर में जय श्री राम बोल करके पीटा जा रहा, बच्ची पैर से लिपट करके माफी मांग रही, और जय श्री राम राम के नाम पर लिंचिंग और दंगा। 75 साल बाद यहीं पहुंचे, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। नशाते वसले हलालो हजाबो हिज्जो हराम, जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन, किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं। फैज अहमद फैज कहते हैं किसी पर चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं, और हबीब जालिब कहते हैं फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज अगर आप दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा महिला के घर में बैठ करके ना, उसके चूल्हे के पास बैठ करके वहां से भारत का नक्शा सामने टांग करके देखिए, दिल से यही आवाज निकलेगी, ऐसे दस्तूर को ऐसी आजादी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अरे आजादी तो हम भी करेंगे, हम भी तिरंगा शान से परब, किसी से कम देशभक्ति है क्या आप में? आप डर जाते हो? इस देश को बनाने में दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा अति पिछड़े महिलाओं के हाथ लगे हैं, उन हाथों ने इस देश को बनाया है। और आज आपसे अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको देशद्रोही बना करके प्रोफेसर हेनू बाबू की तरह जेल में रखा जाएगा क्या? यूएपीए लगा करके जेल में रखा जाएगा? और जहां आरक्षण लागू हुआ वो सब बेच दो अपने अंबानी अडानी को, यहीं पहुंचे आप 75 साल बाद। कहां गया वो खाब जो बाबू जगदेव प्रसाद का था, कर्पूरी ठाकुर का था, रामस्वरूप वर्मा का था, मंडल का था, कांशी राम का था, लोहिया जयप्रकाश का था, बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार का था? हमारा यह सवाल है आपसे, जब तक उनके सपनों का भारत नहीं बनेगा तब तक हम आंख में आंख डाल के कहेंगे ये आजादी झूठी है। कहां से आई निगारे सबा किधर को गई, कहां से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी एक शब में कमी आई नहीं, नजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई,
अभी चराग सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरा निशबे में कमी नहीं आई, नजात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चलो चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, ये संदेश मेरा है, चलो चलो बहुजनों दलितों पिछड़ों आदिवासियों, देखो जहां आरक्षण लागू था उसे निजी हाथों में बेच दिया गया, जब आरक्षण आया तो निजीकरण आया, जब आरक्षण आया मंडल आया तो कमंडल आया, जब आरक्षण आया सामाजिक न्याय आया तो सांप्रदायिकता आई, लिंचिंग आई। आओ कहें कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, आओ चल के इस देश की गलियों गलियों में कहें कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आओ चलो इस देश की गलियों गलियों में कहें कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, कि करे न काम गिटपिट बोले करे न काम, मनवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण बनिया एक समान। आओ चलो इस देश की दरो दीवार पर लिख दें कि इस देश को बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाना है, सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख के सपनों का भारत बनाना है। सत्ता बदली, आओ पूछे सवाल कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, कहां गया भगत सिंह के सपनों का भारत, यह सत्ता किसके हाथ में गई, आज भी सत्ता को कौन चला रहा है, ब्राह्मणवादी पूंजीवादी सामंतवादी पितृ सत्ता का गठजोड़ इस देश को चला रहा है। इसलिए 75 साल बाद इस देश के बहुजनों को अब एक नए रूप में आंख खोलनी है। चलो इस पूरे देश में आंदोलन खड़ा करते हैं कि इस देश की धन धरती और राजपाट में सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी, तब हम आजादी मनाएंगे। असली आजादी तो तब होगी जब किसी की जेब में पैसा है कि नहीं, उससे शिक्षा अच्छी मिले, इसका मौका मिले। नई शिक्षा नीति के नाम पर आप शिक्षा बेच दिए, कृषि कानूनों के नाम पर किसानी बर्बाद कर दी, श्रमिक कानून में संशोधन करके ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिया, श्रमिकों के अधिकार बर्बाद कर दिए, आज मजदूरों और उनकी हालत खराब कर दी। कहां है बहुजन? तिरंगा हाथ में लेकर के जोर से भारत माता की जय, जय श्री राम और वंदे मातरम अगर कहना इस देश में राष्ट्रभक्ति का परिचायक है तो हमें यह राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए। मुबारक हो तुम्हें, बहुजन आज अपने हक की लड़ाई लड़ेगा इस देश के सत्ता संसाधन हिस्सेदारी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर। 90% बहुजनों की जिस दिन हिस्सेदारी हो जाएगी, हम उस दिन शान और शौकत से मनाएंगे कि हाँ हमारे पुरखों का सपनों का भारत बना है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजादी मुबारक उनको भी जिनके हिस्से की आजादी अभी मिलनी बाकी है, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, बीमारी से आजादी, बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों में बाधा बनने वाले सामंतवादी मनुवादी पितृसत्तात्मक पूंजीवादी लोगों से आजादी, तब हम आजादी का जश्न मनाएंगे। जब तक नई आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम बहुजनों को एकजुट होना है, हम अपने चीजों को ठीक कर लेंगे। फैज अहमद फैज कह रहे ना, अभी चराग सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरान ये शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। आजादी मुबारक, जय भीम, जय मंडल, हूल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद।